जीवन में कब किसी और कहां रक्त की जरूरत पड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन समय रहते अगर किसी को ब्लड मिल जाए तो उसे नया जीवन मिल सकता है। लेकिन अभी लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूकता की जरूरत है। ऐसे में ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जुड़ा सहित आम लोगों ने भी रक्तदान किया। मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने कहा कि आपका रक्तदान किसी जरूरतमंद के लिए जीवन का उपहार हो सकता है। रक्तदान दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है। आपका समर्थन अत्यधिक मूल्यवान एवं प्रशंसनीय है। लोग इस कार्य में आगे आएं और इस मानवीय प्रयास में अपनी एकजुटता दिखाएं। इसलिए एक साथ आएं और उन लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाएं जो जरूरतमंद हैं। अस्पताल में आयोजित हुए रक्तदान शिविर के दौरान भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया है। जैसा कि आज 14 जून है, विश्व रक्तदाता दिवस है। आज का दिन जो है तो सर कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिवस है। तो इस दिवस को जो है तो हम सब विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं और चाहते हैं कि समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है और कुछ समस्याएं होती है वो दूर हों, इसलिए हम ये प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। सर कितने लोग हिस्सा लिए हैं, कहाँ कहाँ से आए? ये इसमें आम जनता तो की ही है डोनेशन, साथ में इसमें जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का बहुत अच्छा रोल है। सबसे ज़्यादा उन्होंने ही डोनेशन किया है। अच्छा रहा देखो, इसकी गाइडलाइंस है नैको की, हर एक बार हर एक साल जो है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और उसमें ये रहता है कि जो उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान दिया है हर एक डोनर को जो सम्मान किया जाए और इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों की ब्लड ग्रुपिंग की जाए और जगह जगह जो है तो जो NGOs होते हैं, नॉन NGOs रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ब्लड देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए लोगों को, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए लोगों को। और कोई सवाल हो पूछ लीजिए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विजयराज।